मिल गया प्लाज्मा थेरेपी का विकल्प। इंटास फार्मा ने मानव प्लाज्मा से तैयार की दवा। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी है इंटास फार्मा। डीजीसीआई ने दी ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी। अगले महीने शुरू होगा दवा का ट्रायल। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल ऐसी दवा विकसित की है जो कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का विकल्प बनेगी। कंपनी का दावा है कि इस दवा को देने के बाद कोविड-19 रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दवा को मानव प्लाज्मा से तैयार किया गया है। ह्यूमन ट्रायल की मिली मंजूरी। इंटास फार्मास्यूटिकल के चिकित्सा नियामक मामलों के हेड डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी ने कहा, यह देश की में पहली बार है कि ऐसी दवा बनाई जा रही है जो पूरी तरीके से स्वदेशी है। कोविड-19 के उपचार के लिए विशेष रूप से विकसित हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन की ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। हम इसके लिए गुजरात और देश के कई अस्पतालों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगले एक महीने में ट्रायल शुरू हो जाएगा। 30 mg की खुराक पर्याप्त होगी। डॉक्टर चतुर्वेदी के मुताबिक वर्तमान में कोरोना रोगियों को लगभग 300 mg प्लाज्मा के साथ प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। दूसरी बात, ये तय नहीं है कि यहाँ हर मरीज को कैसे और किस हद तक प्रभावित करता है। नई तैयार होने वाली हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन की 30 mg की एक खुराक रोगी के लिए पर्याप्त है। अब तक हुआ परीक्षण रहा सफल। दवा पर अब तक हुआ परीक्षण सफल रहा। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा, यह दवा मानव प्लाज्मा से बनाई गई है, इसलिए इसके परिणाम परीक्षण के एक महीने के भीतर आने की उम्मीद है। परीक्षण सफल रहने का दवा अगले 3 महीनों में लॉन्च करने की तैयारी होगी, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए जरूरी अनुमति लेने में 1 महीने का समय लगेगा। कैसे काम करती है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना के ऐसे मरीज जो हाल ही में बीमारी से उभरे हैं, उनके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो तामुर रहते हैं। ये एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। इससे दवा में तब्दील करने के लिए ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और बाद में इनसे एंटीबॉडीज निकाली जाती हैं। ये एंटीबॉडीज नए मरीज के शरीर में इंजेक्ट की जाती है, इसे प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। यह मरीज के शरीर को तब तक रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है जब तक उसका शरीर खुद तैयार करने के लायक न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।